बात के उनका अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे मंत्रीगण, मध्य प्रदेश सरकार के श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, प्रद्युम्न तोमर जी और समस्त मंचस्थ अतिथिगण, मैं एक के बाद एक जो लगातार हमारे अपने खासकर ग्वालियर का जो एक नया सूर्य आदित्य का उदय हुआ है, जिसके कारण से ये सब क्षेत्रों में जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने बेंगलोर की फ्लाइट जोड़ी थी, अब ये अहमदाबाद से संबंध आया। मुझे मालूम है कि अहमदाबाद और गुजरात का एक विशेष संबंध माननीय सिंधिया जी से भी है और हम लोगों से भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है, माननीय HM साहब का प्रदेश है और माननीय सिंधिया जी का भी वो विशेष रिश्ता बड़ौदा से उनका है, वो एक और रिश्ता उनका अपना है। और हम सब जानते हैं कि 5000 साल पहले भी गुजरात में जाने के बाद ही भगवान कृष्ण कृष्ण से श्री कृष्ण बने थे, क्योंकि द्वारकाधीश हुए थे। तो गुजरात से हमारा संबंध अतीत के काल से जुड़ा हुआ है। हम सब गौरवान्वित होते हैं, हम गौरवान्वित होते हैं इस नाते से भी कि अहमदाबाद का एक और नाम कर्णावती भी है, इसलिए ये महाभारतकालीन कर्ण को भी स्मरण कराती है। और ग्वालियर तो कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, अलग अलग प्रकार से ग्वालियर का बहुत सुदीर्घ अपना गौरवशाली पृष्ठ है और उस नाते से ये हमारे लिए सभी प्रकार के पर्यटन को, संस्कृति को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। तानसेन संगीत समारोह से लेकर कई अवसरों पर यहाँ जब हमको लगता है कि गुजरात में ये महत्व, ग्वालियर में महत्व बढ़ना चाहिए, तो ये सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर अहमदाबाद में व्यापार की दृष्टि से भी अब यहाँ चंबल के बेल्ट के लोगों को आने जाने की सुविधा की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात का और मध्य प्रदेश का संबंध बनाने में ग्वालियर एक तरह से ये हमारा अपना एक मुख्य दरवाजे का रूप रखेगा और जिसके माध्यम से सबकी एंट्री होगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर एक निवेदन करते हुए कि लगभग वैसे तो हमने कोशिश की है कि पर्यटन के क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट माननीय सिंधिया जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। वर्तमान में हमारी 26 हवाई पट्टियाँ हैं, 4 निजी और 22 राज्य अधीन है, लेकिन हमने कोशिश की कि हर संभाग केंद्र के बाद जिला केंद्र तक हमारी इस दिशा में कनेक्टिविटी बढ़े और इसमें ही हम आपका मदद लेकर के आगे बढ़ेंगे। पिछले समय आपने जैसे हमने रीवा के साथ उज्जैन को भी जोड़ने का प्रयास किया, दतिया और रीवा को तो आपने एक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए काफ़ी हद तक कदम बढ़ाए हैं। बहुत जल्दी बाबा महाकाल की नगरी से भी हम आपकी मदद से ऐसा ही एक पोर्ट बनाना चाहेंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में उज्जैन में देश भर से, देश के बाहर से आने वाले यात्रियों को भी इसकी सौगात मिलेगी। एक बार फिर मैं खास करके एयर एम्बुलेंस के और ऐसे दूसरे मामलों में भी विभाग को बोल चुका हूँ कि वो काम करे, आपके नेतृत्व में इसका भी लाभ हमको मिलेगा। खासकर हमारे यहाँ दूरस्थ अंचल में पर्यटन की भी बहुत संभावना है, इसलिए एयर कनेक्टिविटी में भविष्य की दृष्टि से टूरिज्म को जोड़कर एविएशन टूरिज्म और खास इसमें निजी निवेश को लेकर के भी कई सारे विषय हैं जिसमें आपके मार्गदर्शन का लाभ उसमें मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आज फिर एक नई सौगात की बधाई और उम्मीद करता हूँ ये अकेला नहीं होगा और आकाशा एयरलाइन से भी कहेंगे, जिस ढंग से 2 प्लेन से उनने 20 प्लेन तक और 150 नए प्लेन की आप उड़ान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आकाशा के सारे लोगों को बधाई और उम्मीद करेंगे वो और अपनी इस प्रकार के नए प्लान बनाए जिससे हमारा मध्य प्रदेश भी लाभान्वित हो और देश को गौरव मिले। एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम अपने हवाई यातायात की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए इसी प्रकार से सौगात पे सौगात नित नए देते रहें, ये कामना करते हुए सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। I now request all dignitaries and Akasa representatives present in Delhi and Gwalior to flag off the inaugural flight from Gwalior.